सब समझती हूँ। तुम्हें हर वो शय अच्छी लगती है जो अरसला को पसंद है, इसी तरह तुम उसके करीब रहते हो ना। अपने रंग में रंग लिया उसने तुम्हें, कुछ नहीं होता। मैं भी ये रंग तार कर ही रहूंगी। तुम आतिफ, अम्मी या नईमा को फोन रखना। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी या नईमा को फोन दो। क्या घर पे कोई नहीं है आतिफ? आतिफ, आतिफ कैसी कैसी हो तुम अरसला? अरसला आते हुए चले गए क्या? वैसे बड़े ही मजे का पुलाव है, बिल्कुल वैसा जैसे अरसलाबाजी बना दी थी। खाकर देखो क्या हो गया। अरसला की बात आतिफ से तुमने कराई है? बात कराई क्या मतलब? मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा था अरसलाबाजी से, आते भाई आ गए, मैंने फोन उनको दे दिया। अच्छा अब मैं समझा, तुम बस यूं जलती रहना उनसे। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है, बड़ी कम दिलो भाई तुम तो। अल्लाह माफ करे, फोन दो मेरा। हाँ हाँ करती हूँ नफरत अरसला से, खुदा करे अल्लाह मौत दे उस मनहूस को। लाओ भाई लाओ। अरसला ये तुमने अपने हाथ की चाय पिला पिला के इतना आदी कर दिया है ना मुझे, किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। चाय का ये कप पीने के लिए रोजाना आना पड़ता है मुझे यहाँ, कभी कभी तो दिन में दो तीन बार जाती है ना। इसका कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, ये नहीं चल सकता। इसका हल तो है मेरे पास, और वो भी बहुत आसान। तुम चाय बनाना सीखो, खाला को आसानी भी हो जाएगी। अपना मशवरा तुम अपने पास ही रखो, चाय बनाना सीख लो। मेरे पास तो इसका पक्का वाला हल मौजूद है। अच्छा। उससे ना सिर्फ तुम्हारी खाला को चाय का बल्कि घर के बाकी कामों में बहुत सहूलत हो जाएगी। और इसी बहाने मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। आतिफ मजाक नहीं कर रहा। अरसला क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भेजा, घर बात हुई थी, खैरियत है ना वहां सब? वो अम्मी और नईमा कहीं बाहर गई हुई थी, मेरी गुड्डू से बात हुई थी, मेरा छोटा भाई। अरे जान गई हूँ अब मैं सबको, और वैसे भी मेरा ख्याल है अब सब शादी की तैयारियों में लग गए होंगे, जब भी तुम्हारी बात नहीं हो पाई उनसे। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? नसरीन और जुबिया भी नहीं है घर पर, जाओ बेटा जरा देखो तो। जी अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो अर्सला? ठीक, जुबिया और नसरीन आंटी बाहर गए हुए हैं, घर पर नहीं है। थैंक गॉड। जी कुछ नहीं, बीजान तो है ना घर पे, उन्हीं से मिलने आया था। वैसे जुबिया और नसरीन आंटी बहुत खुश होते हैं जब आप आते हैं, अगर उन्हें पता होता कि आप आ रहे हैं तो वो नहीं जाते कहीं, घर पर ही रुकते। शुक्र है जो वो घर पे नहीं है। सुबिया को बर्दाश्त करना खासा मुश्किल काम है। अब तक तो तुम्हें भी अंदाजा होगा इस बात का। अरे शहराम। सलाम अलैकुम बीजान, कैसी हैं आप? जीते रहो, खुश रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बाहर चल के बैठते हैं थोड़ी देर। चल। अर्सला बेटा, शहराम के लिए भी चाय लेती हूँ। जी। बहुत ख्याल रखती है मेरा। अरे आजकल के जमाने में ऐसी मोहब्बत करने वाली खिदमत गुजार लड़कियां कहां मिलती हैं जैसी अर्सला है। उसके आने से तो जैसे मेरी तन्हाई खत्म ही हो गई है बिल्कुल। एक बात बताएं बीजान, अर्सला इतनी संजीदा क्यों रहती है बल्कि उदास? इस उम्र में तो लड़कियां बहुत लापरवाह होती हैं, खुशबाश रहती हैं। अरे बेटा सारी बात बेफिक्री की होती है। अरे इतनी सी उम्र में पूरे खानदान का बोझ उठाया हुआ है उसने। अपनी खुशियां खत्म करके सबके लिए खुशियां और इत्मीनान हासिल किया है अर्सला ने। बड़ी बेमिसाल लड़की है, बहुत अच्छी। कैसी हो बताओ मुझे, कोई जरूरी बात थी? खुशफहमी है तुम्हारी कि यहाँ पर कोई भी तुमसे जरूरी बात करना चाहता है, कोई भी तुमसे आम ताल्लुक भी नहीं रखना चाहता अर्सला अब तो, और खास तौर पर आतिफ। आतिफ तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नहीं माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा आतिफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तुम बार बार क्यों मुझे बीच में डालती हो? तुम्हें याद दिलाते रहने के लिए। उसके एक फोन पर तुम गलतफहमी का शिकार मत हो जाना। तुम जानती हो तुम्हारे इतने मोहब्बत से भेजे हुए जोड़े के साथ उसने क्या किया है? चला दिया, राख कर दिया उसने वो जोड़ा, क्योंकि वो तुमसे अब नफरत करता है और तुम्हारी दी हुई कोई भी शय मंजूर नहीं करेगा। आप सलाह सुन रही हो ना? इतनी बड़ी रकम? ना ना, अर्सला तो कभी भी नहीं मानेगी बेटा, बड़ी खुददार लड़की है वो, और तुमसे तो वो बिल्कुल भी नहीं लेगी इतनी बड़ी रकम। बीजान मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये रकम आप देंगी उसे अपने नाम से। उसकी बहन की शादी आसानी से हो जाएगी तो कम से कम उसकी परेशानी तो थोड़ी कम होगी। जीते रहो बेटा, खुश रहो, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा, किसी की भी तकलीफ का सुनते हो तो मदद करने आ जाते हो। अर्सला से तुम्हारा क्या नाता? अभी जान प्लीज, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। मैं कल ही आपके नाम का चेक भिजवा दूंगा। ठीक है। अरे ये अर्सला कहाँ रह गई? मैं देख लेता हूँ। चल। क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिर इतनी अपसेट क्यों? नहीं,
दरअसल वो मेरी छोटी बहन की शादी है ना, तो घर में सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत रौनक लगी हुई है, बस इसीलिए सबको बहुत याद कर रही थी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। तुम भी जरूर जाना शादी में, खूब इंजॉय करना और घर वालों के साथ जितना टाइम स्पेंड हो सके करना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। पता नहीं अच्छा लगेगा या और ज्यादा बुरा। क्या मतलब? कुछ नहीं, बहुत देर हो गई ना आपकी चाय में, आप चले मैं बस लेके आती। बीजान तो कभी कभी हद ही कर देती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी बासित। अब देखिए ना उनको वक्त का ना किसी मौके की नजाकत का ख्याल रहता है। कल शाहराम उनके पास बैठा रहा और चला गया और उन्होंने हमें इतला तक नहीं दी। क्या हो गया तुम्हें नसरीन? रात से तुम एक बात के पीछे पड़ी हो। शाहराम आया था चला गया, फिर आ जाएगा, बात खत्म। उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो रोज रोज चला आए। सारा खानदान उसे मिलने के लिए तरसता है, तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ चला आता है। और अगर हम इस मौके का भी फायदा नहीं उठाएंगे ना, तो बस हद ही हो गई। देखो, रिश्ते नाते हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं बनते। रजा होगी तो रिश्ता हो जाएगा, नहीं होगी तो उसकी मसलहत। इंसान की तदबीर भी कोई चीज होती है। क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। आप ये चीज लिखवा लें। अब भला कौन तुमसे बहस कर। हेलो जी, कैसर भाई? हाँ मैं हूँ। शराम कितनी देर रुका था यहाँ कल? मैंने पूछा शराम यहाँ कल कितनी देर तक रुका था? काफी देर तक रुके थे। मेरे बारे में कुछ पूछा उसने? असल में मैंने उन्हें बता दिया था कि आप लोग, मेरा मतलब है कुछ और बात, कुछ कॉमन सा। बताओ ना अरसला, लड़कियां तो ऐसी बातों को बहुत नॉर्मली पकड़ लेती हैं। क्या तुम्हें शराम की ऐसी बातों से कोई फीलिंग आई थी कि वो मुझे पसंद करते हैं? जुबिया, मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो सकी। मैं किचन में थी और वो बीजान के साथ बैठे हुए थे। हाँ ये भी ठीक है, मैं तो भूल ही गई थी कि भला तुम शराम से क्या बात करोगी। तुम तो भी इसे ठीक से जानती तक नहीं हो। एक्चुअली शराम के ग्रुप में काफी लड़कियां भी हैं जो काफी खूबसूरत और स्मार्ट हैं। मुझे तो बस डर लगता है कि कहीं शराम उनमें से किसी को पसंद ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, शराम साहब आपको ही पसंद करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो ना, बातें करते हैं। वैसे भी इस घर में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। जुबिया, किचन में बहुत काम है, ऐसा करती हूँ कि पहले काम खत्म कर लेती हूँ और फिर बातें करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है अरसला कि तुम्हारी और जुबिया की दोस्ती होती जा रही है। अरे काश तुम्हारे साथ रहकर वो भी कुछ सीख ले। कैसी बातें कर रही हैं बीजा, जुबिया खुद इतनी अच्छी है और भला मेरा और उनका क्या मुकाबला। कभी कभी आप ऐसे मुझे वाकई में शर्मिंदा कर देती हैं। अरे मेरा बेटा, तुम जिस काबिल हो ना वो मैं जानती हूँ, बस रहने दो इस बात को। अच्छा सुनो, इधर आओ ना जरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या हुआ, खैरियत? अरे हाँ हाँ आओ ना बैठो। तो कोई खास बात है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुमको मैं बता ही दूँ। ऐसा ना हो तुम मुझसे नाराजी हो जाओ। मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ? आप बताइए। जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर कुछ पैसे भिजवाए हैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए, तुम्हारी तरफ से। पैसे?
कितने पैसे? अरे इतने कुछ खास ज्यादा नहीं है, जब पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वादा याद है ना? नाराज नहीं होना तुमने मुझसे। ये लड़की कंगाल करके जाएगी हमें, हाथ से निकली जा रही है। अरे ये किसी लैंडलॉर्ड या कमिश्नर की बेटी है क्या? जिस चीज पे हाथ रखती है लेकर छोड़ती है। पता नहीं इसके जाने के बाद हम क्या भीख मांगेंगे। खुदा ना करे, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? सब ठीक हो जाएगा, अरसला कर रही है ना काम, कमेटियों के पैसे भी उतर जाएंगे, ना परेशान हो आप। ये खरीदारी अब बंद कर दो। माफी मांगता हूं, हाथ बांधता हूं। अब्बा को ना मत सिर्फ पैसे का गम खाए जाए, हर वक्त की झिझक, हर वक्त का गुस्सा। मेरी शादी खैरियत से होने भी देंगे यार? काश काश मेरी शादी अगले माह के बजाय इसी माह हो जाती तो मेरी यहां से तो जान छुटती। अरसला ने भेजा है, एड्रेस तो उसी का है, पर अभी तो चंद दिन पहले उसने तनख्वाह का चेक भिजवाया था। ये क्या हो गया? मुझसे आप तवक्को भी नहीं रखिएगा कि मैं अरसला की एहसानमंद होकर इस घर से जा रही हूँ। आतिफ को भी यही पता है कि मेरे सारे जहेज का सामान आपने अब्बा की बचत से बनाया है। अरसला का तो नाम भी नहीं सुनना चाहता वो। तो कौन ले रहा है उसका नाम? अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि अपनी बेटी को दो चीजें भी ना दे जहेज में। अरसला की दाग आई, तनख्वाह तो आ गई। दुआ करो ऐसी वैसी खबर ना हो। ये लड़की ना कभी भी आसानी से मेरी शादी नहीं होने देगी, मैं आपको बता रही हूँ। देखिएगा आप कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि मेरी सारी तैयारियां ठप पड़ जानी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ₹5,00,000 लाख? ₹5,00,000? जीती रहो अरसला बेटा, तूने तो अपने बाप का फखर और मान दोनों ही बढ़ा दिए। कामयाबी हमेशा तुम्हारे कदम चुमे, मेरी तो फिक्रें दूर करती हैं तुम्हें। खुदा तुम्हारे जैसी औलाद सबको अता करे। सच बताऊं बेटा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इतने सारे पैसे तुमने मुझे इकट्ठे भेज दिए। मुझे दो, मैं भी अपनी बेटी से बात कर लूं या खुद ही करते रहोगे? रहने दो बस। अरसला बेटा, ये सारे पैसे मैं बड़ी हिफाजत से रखूंगा अपने पास। अरे अपना घर बनाएंगे ना, वरना ये माँ बेटी तो सारा पैसा खर्च करने पर तुली हुई है। अरे सुरैया का घर भर देने का तहिया कर रखा है इन लोगों ने, जैसे मुफ्त का माल हो। अरे अरसला बेटा, ₹5,00,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे बच्चे, फिर आजकल आता ही क्या है 5,00,000 में? और शादी वाले घर में यूं चुटकियों में उड़ जाते हैं इतने पैसे। हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है बीजान, इतने सारे पैसे नहीं करना चाहिए था आपको। बस तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाओगी,
अब अपनी कहीं भी बात मत भूलो, समझी? मैं बुरा नहीं मना रही हूँ, ये तो एहसान है आपका, मगर पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब बहुत ज्यादा है मेरी औकात से। इतने सारे पैसों का तो कभी मैंने सोचा भी नहीं, और पता नहीं घर में भी सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कहां से इतने पैसे। बस मेरा बेटा, इतना हसास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो मेरी जान, अगर इंसान एक दूसरे के काम ना आए तो जिंदगियां कितनी मुश्किल हो जाए, है ना? एक दूसरे के लिए राह हमवार करना, आसान करना, यही तो इंसानियत है। और वैसे भी मामूली बात है ये। मामूली बात नहीं है बेजान, ये सब सिर्फ वो ही कर सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जो आपको खुश देखना चाहता हूँ, जिसके लिए आप बहुत अहम। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती, आपका बहुत शुक्रिया बीजान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सफदर, तुम कब आए? बस सर अभी आया हूँ। आओ आओ बैठो। खैर क्या खबर है? जी सर, सर ये वो कंस्ट्रक्शन का साइट प्लान है जो हम करवा रहे हैं, ये आप जरा देख लीजिए। ठीक है, तुम ऑफिस में मीटिंग रख लो, इस काम में देर ना करना। सर देर किस बात, हाँ देर होने ही कब देते हैं, अब तो सभी ये बात जानते हैं कि जो काम आपके हवाले कर दिया जाए वो काम फौरन ही हो जाता है। आश, हमेशा ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम बीजान। किसने की है ये बकवास? कौन है हमारे घर में जो ऐसी बेहुदा बात करने वाला? बोलती क्यों नहीं हो, और तुम्हारे जहन में ऐसी बात आई भी कैसे? बोलो जवाब दो। ये बात मैंने कही है। अरसला के पास इतना रुपया आ कहां से रहा है? इतनी बड़ी रकम उसे कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, ये सोचा है आपने? कल तक 20-30 हजार रुपए कमाने वाली आज इतनी बड़ी रकम कमा रही और भेज रही है, वाह क्या बात है। एक अजनबी नाम से आपको अरसला की तरफ से चेक आ गया। उसने अपने मालिकों से लिए होंगे। मैंने कहा था उससे कि उनसे कहे। कोई भी मालिक इतना सखी नहीं होता, ये बात तो आप भी जानते। हमारी अरसला ऐसी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन लोग तो वही कहेंगे जो मैं कह रही हूं। और अगर आतिफ को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? खामोश। आतिफ से इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार खबरदार, जो किसी ने भी इस पैसे के बारे में नाम भी लिया तो। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त। आप इन पैसों में से 1,00,000 रुपए आतिफ को देंगे उसकी सलामी के लिए अपनी तरफ से। अब्बा, इससे आपका रुतबा बढ़ेगा और मेरी इज्जत। वैसे भी असला के पास अब इतना सारा पैसा आ गया, इतने सारे पैसे कमा रही है, दोबारा भेज देगी।
अरे अर्सला, ए, तुम अब तक तैयार भी नहीं हुई बेटा। तुमने आज बीए का फॉर्म लेने के लिए कॉलेज जाना था, उसको मैंने कह दिया ड्राइवर को, वो सीधा तुम्हें वहीं ले जाएगा। बीजान, दरअसल मुझसे अकेले नहीं कॉलेज जाया जा रहा, बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे बात करूंगी वहां पर? सुना है कॉलेज में सब अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं भला कैसे? अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं है बेटा, भले बात करते हो अंग्रेजी में, उर्दू भी तो आती होगी, और तुम्हें कौन सी इतनी लंबी चौड़ी बातें करनी है? जाके एक बीए का फॉर्म ही तो लाना है, और क्या? आप चले मेरे साथ हैं? अरे मेरा बच्चा, मेरा चंदा, मैं चली तो जाती, पर तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत का। ऐसा करो, जुबिया को ले जाओ, वो चली जाएगी तुम्हारे साथ। हाँ जी जुबिया। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे देर हो रही है। लेकिन मुझे तो बीजान के काम से जाने, बेगम साहिबा उन्होंने सुबह ही कह दिया था मुझे। बीजान का कौन सा काम है, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा। वो अर्सला बाजी को कॉलेज लेकर जाना है। ये बीजान को भी पता नहीं क्या होता जा रहा है, इतना सर चढ़ा रहे हैं उसको जैसे वो कोई बहुत ही अच्छी हो। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। लेकिन बेगम साहिबा, बीजान गुस्सा करेंगी मुझ पे। नहीं भाई, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, चलो उनको मैं खुद ही जवाब दे दूंगी। चले जुबिया, मेरा हरगिज़ मूड नहीं आ रहा जाने को। और क्या जरूरत है तुम्हें आगे पढ़ने की, इंटर कर लिए ना, काफी है, बीए करके क्या तीन मार लोगी? बी जान चाहती है कि मैं आगे पढ़ूं। बीजान जो चाहती है, अगर वही होने लगा ना, मेरा तो पता नहीं क्या बनेगा। तुम एक काम करो, तुम बीजान को मना कर दो, कह दो कि तुम आगे नहीं पढ़ना चाहती। बात सुनो, ये सूट तो बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है। सुबिया, ये वही सूट है जो आपने मुझे दिया था और कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तुम जाओ। अरे बेटा, नहीं जाती जुबिया तुम्हारे साथ तो ना जाए, कोई बात नहीं। अरे एक जरा सा कॉलेज तक तो जाना है। अरे जाओ और जाके अपना फॉर्म लेकर आ जाओ, थोड़ी देर में तो वापस भी आ जाओगी तुम, घबरा क्यों रही हो? आओ शाबाश, आओ बेटा, इधर आओ, जरा बात सुनो। ये गाड़ी कौन ले गया? मैंने कहा भी था ड्राइवर से कि इस गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बेगम साहब लेके गई है। जब मैंने उसे कह दिया था कि गाड़ी कहीं नहीं जानी, तो क्यों गया वो नसरीन के साथ और बगैर बताए हुए मुझे? रहने देना बीजान, कुछ नहीं होता, मुझे वैसे भी नहीं जाना। अरे तुम चुप रहो अर्सला, मैं मंगवा रही हूँ टैक्सी, मुलाजिम के साथ जाओ, जाना तुम्हें आज ही है, पता है ना? टैक्सी? बीजान देखो तो कौन आया बाहर। जी अरे लो शहराम आ गया, अब तो मसला ही हल हो गया बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीत रहो और खुश रहो। क्या मेरा इंतजार हो रहा था? अरे बस यही समझ लो, इसको ले जाओ जरा कॉलेज तक, बीए का फॉर्म लेना है इसने, आखिरी तारीख है, और फिर एक दो रोज में जमा भी तो करवाना है तुम्हें। जी जरूर, क्यों नहीं, चले अर्सला। जाओ ना शहराम के साथ बेटा, चलो जाओ, शाबाश। कुछ परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
शायद तुम्हारी आदत होगी। क्या? कुछ नहीं, वैसे बहुत अच्छा कर रही हो। तालीम से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, जब और जितना पढ़ सके इंसान को जरूर पढ़ना चाहिए। जी सही कह रहे हैं, वैसे भी मेरे लिए सब कुछ बेजान ने किया। इतने कम अरसे में उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया जो मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाती। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान इंसान क्या भला। ऐसे मत सोचा करो प्लीज। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब बीजा ने नहीं आपने किया हो। मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा मतलब है मैं उतना अच्छा थोड़ी हूँ जितनी बीजा ने। आप भी अच्छे हैं, सब लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये बातें तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, अब कोई नई बात होनी चाहिए। लड़कियों के पास तो बातों का ढेर होता है, एक दफा बातें करना शुरू हो जाए तो रुकती नहीं है। टिक 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 टिक। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और ना ही मैं ये टिक 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 कर सकती। बोलने भी लगोगी और बातें भी बहुत होंगी तुम्हारे पास, ऐसा जरूर हो। मतलब? कुछ नहीं, हमारा कॉलेज आ गया, जाओ और अपना फॉर्म ले जाओ, मैं यहीं वेट कर। आप नहीं आएंगे साथ? नहीं, खुद जाओगी और अपना फॉर्म लेकर आओ, फिर हम उसे फिल करेंगे। जाओ और यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। खर्चा कहां से कहां पहुंच गया, कभी सोचा भी नहीं था कि नईमा की शादी में इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे ये क्या, आपने कुछ खाया ही नहीं है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मुझे तो नईमा ने डरा ही दिया है। अर्शिला के पास इतने पैसे, नईमा का क्या है, जो मुंह में आता है बक देती है। अल्लाह ना करे, क्या हम अपनी अर्सला को जानते नहीं है? जब वो यहाँ पर भी थी तो कितनी मेहनत करती थी, चंद सौ रुपयों के लिए ईमानदारी से वो कपड़े सीती थी। मेरी बच्ची बहुत नेक है। ये तो ठीक है, मगर अर्सला के पास इतने पैसे आए कहां से? भाई तनख्वाह तो वो बाकायदगी से हमें भेज रही है, हम वैसे भी अगर पूरे साल की तनख्वाह जमा करें ना तो तब भी 5 लाख नहीं बनते हैं। वो मैं आपको बताना ही भूल गई थी, मेरी बीजान से बात हुई थी, उन्होंने ही नईमा की शादी के लिए पैसे भेजे हैं। अजीब औरत तो तुम, पहले क्यों नहीं बताया मुझे, दिमाग खराब कर दिया इस नईमा की बच्ची ने, एकदम खुद खरस। अरे कस भर की तो जुबान है उसकी। तौबा करें, अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ब्लैकमेल कर रही है, पूरे 1 लाख रुपए डिमांड किया उसने। देने तो पड़ेंगे,
अगर ये बात वो किसी और के सामने कर देती है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वैसे भी आप लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना, आज नईमा ने कहा है, कल को कोई और भी कह सकता है। अरे लोगों की ऐसी की तैसी, और रही नईमा, इसको तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगा।